छह साल हो गए हमें मिले हुए, छह साल। हाँ, छह साल। और लाइफ में क्या चल रहा है? मम्मी पापा के जाने के बाद लाइफ में कुछ खास बचा ही नहीं। एक छोटी सी जॉब है जो मेरे जैसी अकेली जान का गुजारा करने के लिए काफी है। अंकल आंटी के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। पिछले 3 साल से अकेले रह रही हो, डर नहीं लगता? डर तो बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, कभी कभी अकेलापन ज़रूर महसूस होता है। उसके लिए ऑफिस का काम घर ले आती हूँ ताकि कुछ देर के लिए ही सही इस अकेलेपन से छुटकारा मिल सके। I can understand that. जब तुम 6 साल पहले बिना किसी को कुछ बताए ऑस्ट्रेलिया चले गए तो मुझे लगा जिंदगी में तुमसे दोबारा मुलाकात नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि जब से तुम गए तुमने फोन तक नहीं किया, ना कोई लेटर ना कोई ईमेल। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी अपने इस दोस्त की याद नहीं आई? ये पूछो, तुम्हें एक पल के लिए भी भुला पाया क्या? कुछ कहा तुमने? हाँ, मैंने कहा कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की, तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए। आजकल के लड़कों को फैशनेबल और स्टाइलिश लड़कियां पसंद आती हैं, मेरे जैसी नहीं। तो मुझसे शादी कर लो। क्या कहा, फिर से बोलना। वही तुमने सुना अनीता, अगर सच कहूँ तो ये समझ लो कि मैं इंडिया तुमसे शादी करके सेटल होने के लिए ही आया। देखो, मैं मानता हूँ मैं देखने में अच्छा नहीं दिखता। किसने कहा तुम देखने में खराब हो? और वैसे भी मुझे सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंसान अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट हस्बैंड हूँ जो तुम्हारे लिए सारे ऐशो आराम तुम्हारे कदमों में ला के रख देगा। पर मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँ, जानबूझकर कभी भी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। तुम्हें तो पता ही है जिंदगी से ज्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं है मेरी। मुझे कोई कैसे भी रखे, बस अपना बनाकर रखे। पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? तुम किसी और को चाहती हो? अरे तुम्हें बताया ना, आजकल के लड़कों को मेरे जैसी ओल्ड फैशन लड़कियां पसंद नहीं। और वैसे भी मैंने तो शुरू से ही सिर्फ तुमसे प्यार किया है, ये अलग बात है मैं कभी कह नहीं पाई। पर अब चाहकर भी ये मुमकिन नहीं। क्यों नहीं? जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर क्या वजह है अनीता? मुझ में कोई खराबी है? नहीं, वो बात नहीं है। मुझे अपने से ज्यादा भरोसा तुम पर, इसके पीछे कोई वजह नहीं, मजबूरी है मेरी। मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी है? अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो उसके बाद तुम भी मुझसे शादी नहीं करोगे, और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती भी खराब हो। तुम उससे शादी करो ना करो, पर हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे, इसलिए प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो। अनीता, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझ पे विश्वास करती हो, तो प्लीज मुझे बता दो। ठीक है, अब हमारी दोस्ती रहे या टूट जाए मुझे कोई डर नहीं, पर मैं उस इंसान को धोखे में नहीं रखना चाहती जिससे मैं प्यार करती हूँ और जो मुझसे शादी करना चाहता है। चाहे ये सब सुनने के बाद तुम मुझसे शादी करो या ना करो, पर मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई,
मम्मी पापा को भी नहीं। तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले एक लड़के ने धोखे से मेरे साथ रेप किया था और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी लड़की से शादी कर अपनी जिंदगी बर्बाद करो जिसकी पहले से इज्जत। अब मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे ही शादी करूँ। मैं कितना लकी हूँ जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो मेरे प्रति कितनी सच्ची और ईमानदार है। वो चाहती तो मुझसे सब कुछ छुपा सकती थी। मुझे लगा अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ये जो भी कुछ हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब तो उसकी गलती है जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। अनीता तुम उन लाखों करोड़ों लड़कियों से अच्छी हो जो न जाने शादी से पहले क्या क्या कर लेती हैं पर बाहर सती सावित्री बनकर घूमती रहती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे जैसी जमीर वाली लड़की से शादी कर रहा हूँ। तुम उनसे शादी करके खुश तो हो ना? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? बेटा ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि तुमने मुझसे शादी करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुमने फिर से वही एहसान और तरस खाने वाली बातें शुरू कर दी। मैंने कितनी बार कहा है जो कुछ भी हुआ था वो एक हादसा था अनीता, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पर तुम्हें समझ नहीं आता। I'm really sorry. मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। पर मैं क्या करूं? ना चाहते हुए भी उस रात को मैं भुला नहीं पाती। रह रह के वो सब बातें मेरी जुबान पर आ ही जाती है। क्यों याद करती हो वो सब? भूल जाओ उन सब बातों को। कोई फायदा नहीं है उन सब को याद करके। अब सब कुछ ठीक है अनीता, हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है। भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? कैसे भूल जाओ उस रात को? काश मैंने उसका चेहरा देखा होता। मैं जानती हूँ ये सब सुन के तुम्हें बहुत दुख हो रहा है पर प्लीज तुम रो मत। रोने दो नीता, आज मुझे जी भर के रोने दो। आज मुझे भी अपने दिल का बोझ हल्का करना है जो पिछले 6 सालों से मुझे अंदर ही अंदर जला रहा। दिल का बोझ? दिल का बोझ। अनीता उस रात तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो मैंने किया था। उस रात जैसे मैं अंदर का जानवर जा गया। 6 साल पिछले 6 साल से मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। मैं जानता हूँ अनीता मैंने बहुत बड़ी गलती की। अनीता 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 इतने दिन हो गए बात क्यों नहीं कर रही हूँ? मुझे मारो पीटो गालियां दो जो तुम्हारा मन चाहे वो करो अनीता, पर बात करो मुझसे। अनीता आई बेग यू,
प्लीज टॉक टू मी। अलीता, मैं शुरू से ही तुमको चाहता था, पर बता नहीं पाया। डरता था कहीं तुम बुरा ना मान जाओ, मुझसे नाराज ना हो जाओ। यही सब सोचते सोचते अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई। शायद ये मेरा कॉम्प्लेक्स था, पर अनिता, पिछले 6 सालों में हर दिन मेरे दिल ने मुझे मेरे इस पाप के लिए कोसा है। कोई नहीं था मेरे पास अनिता जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकता। एक एक सेकंड मैंने कैसे जिया है ये मैं ही जानता हूं। पर ये गलती हो गई अनिता, इंसान हूं मैं, और उस उम्र में इंसानों से गलती हो जाती है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। कब से तुमसे माफी मांग रहा हूं, हर तरीके से, हर तरह से माफी मांग ली तुमसे, पर अब कहो तो मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाता हूं। पर प्लीज प्लीज अनिता, मुझसे बात करो। कोई नहीं है मेरा तुम्हारे सिवा, और अगर तुम भी मुझसे बात नहीं करोगी तो क्या करूंगा मैं जीकर। और मैं चाहती हूँ तुम जियो, और तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, जिससे तुम्हें पता चले तुमने उस इंसान का विश्वास तोड़ा है जो तुम पे हद से ज़्यादा विश्वास करता है। जिस दर्द से मैं ज़िंदगी भर गुजरी हूँ, मैं चाहती हूँ तुम भी अपनी ज़िंदगी भर उसी दर्द से गुजरो। आई लव यू अनिता, आई लव यू मोर देन माई लाइफ। तो सुनो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगी, खुशी में, गम में, हर सिचुएशन में एक वाइफ की सारी ड्यूटी निभाऊंगी। लेकिन लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं मरते दम तक कभी तुमसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जिस इंसान से तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो और वो इंसान तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुमसे कभी बात ना करे, इससे बड़ी सज़ा कोई हो ही नहीं सकती।